होप ऑल आर गुड। तो आज हम देखने वाले हैं पोस्टपोन रिलेटेड, ओके। ऑलरेडी हमने किया है कि पोस्टपोन में ईपीआई कैसे रजिस्ट करते हैं और रजिस्टर ईपीआई, मतलब हम रजिस्टर ईपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे पोस्टपोन में टेस्ट करते हैं वो हमने देखा है। तो अब हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी हम लॉगिन कैसे करेंगे उसका ईपीआई हम देखेंगे, ओके। उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगी कि यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टमॉर्टम ट्यूटोरियल करके है, कहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा, यहाँ पे पोस्टमॉर्टम ट्यूटोरियल करके है 2023 करके फॉर बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पे जाके आप विजिट किए तो आपको वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में रजिस्टर ईपीआई और ईपीआई कैसे टेस्ट करने का वो सब कुछ मैंने वहाँ पे बोला है, ओके। तो अब हम क्या करें और हम स्टार्ट करेंगे अभी, ओके। तो ओके, फर्स्ट मैं क्या करूँगी, आई विल ओपन द पोस्टमैन, ओके। तो यहाँ पे मेरा पोस्टमैन है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पे हमारा रजिस्ट्री पे जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया है लास्ट सेशन में, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। तो आप देख सकते हैं ईमेल नेम है, जेंडर है, पासवर्ड और सब कुछ डाल के हमने रजिस्ट्रेशन किया है। इसका डेटाबेस भी मैंने आपको दिखाया, तो मैंने ओपन नहीं किया उसको, और डेटाबेस को एक ओपन करके लेती हूँ मैं। तो कहाँ पे ओपन करूँ, ओके यहाँ पे ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ लोकल होस्ट फॉरवर्सेस PHP माई एडमिन, ओके। तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस ओपन किया मैंने और मैं देखती हूँ कि मेरा एग्जाम्प ओपन है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्प ओपन करके उसको स्टार्ट भी किया, ओके। तो मैं उसका पहला डेटाबेस दिखाऊंगी। तो यहाँ पे समझो हम गए तो .env फाइल यहाँ पे हमको मिलेगा हमारा डेटाबेस। तो हम पहले डेटाबेस चेक करेंगे, ओके। तो कोट ईपीए हमारा डेटाबेस का नाम है, तो यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे कि कहाँ पे है हमारा कोट ईपीए, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोट ईपीए, दिस इज ऑन ना, ओके दिस इज द कोट ईपीए। तो यहाँ पे मेरा रजिस्टर अरेज एंड रेस्क्यू, मतलब रजिस्टर टेबल है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन देख रही हूँ लास्ट टाइम का रजिस्टर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ है, ओके। वो भी एपीआई यूज़ करके, पोस्टमैन से हम टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से हो रहा है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए मैंने कंट्रोलर में एपीआई बनाया, तो वो पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मेरा कंट्रोलर कहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर है। और समझो आप नए हो यहाँ पे लारावेल में, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जो वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगी, ओके। तो हम सडनली आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो ऑलरेडी हमने रजिस्टर पे देखे हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करने का, ओके। तो यहाँ पे है मेरा लॉग इन पे, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा स्टेप्स बताऊँगी अब यहाँ पे कैसे होता है। तो मैंने रिक्वेस्ट करके क्या लिया है कि अरेज एंड स्कोर एंड अरेज एंड स्कोर पासवर्ड, दिस इज़ अ वैलिडेशन, ओके। तो यहाँ पे हम पहले वैलिडेशन चेक कर रहे हैं कि कुछ डेटा आ रहा है कि नहीं। नहीं आया तो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब उसको डेटा चाहिए, नहीं आया तो एरर देगा कुछ तो, ओके। नहीं तो हमको अलर्ट दिखाता है कि प्लीज़ एंटर रजिस्टर नंबर और पासवर्ड, ऐसे दिखाता है, ओके। आप कैसे देते हैं उसके ऊपर है वो, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रजिस्टर मॉडल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके लिया है, मतलब यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है रजिस्टर मॉडल। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, तो यहाँ पे मेरा रजिस्टर मॉडल है, तो मैंने वहाँ पे लिया है उसको, ओके। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अरेज एंड रेस्ट को ईमेल, मतलब हमारे जो डेटाबेस का जो कॉलम है हमारा ईमेल का, और हम जो पोस्टमैन से जो हिट कर रहे हैं वो ईमेल और ए ईमेल दोनों मैच हो रहेगा, वो भी फर्स्ट ईमेल जो मैच हो रहे के हम चेक कर रहे हैं हम, ओके। समझो मैच हुआ तभी लॉगिन होता होगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे पहले हम चेक करें कि मैच हो रहा है कि नहीं। समझो मैच हो गया और यहाँ पे पासवर्ड भी हम हैश करके यूज़ कर रहे हैं, इफ़ डॉलर यूज़र, हमको यूज़र मिल गया। और पहले क्या होता है कि ईमेल मैच होता है, समझो ईमेल करेक्ट है तो हम ईमेल ले रहे हैं हमारा, बाद में हम हमारा पासवर्ड डाल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड पासवर्ड है अरिजन डिस्कवर पासवर्ड, और यहाँ पे डॉलर यूज़र अरिजन डिस्कवर रजिस्टर पासवर्ड, मतलब हम जो पासवर्ड पोस्टमैन से ले रहे वो है हमारे पास रिक्वेस्टेड, ओके। और ये हमारा ऑलरेडी जो है वो, मतलब डेटाबेस में जो है उसके साथ हम क्या करें, कंपेयर करें, मतलब हैश करके हमको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टोर करते वक्त कैसे स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर करते वक्त हम हैश करके स्टोर कर रहे हैं, राइट, हाँ हैश करके स्टोर कर रहे हैं, ओके, क्योंकि उस सिक्योरिटी देने के लिए, ओके। तो बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी लेके एक टोकन हम जनरेट करें, ओके, प्लेन टेक्स्ट टोकन हम जनरेट करें, मतलब हम जब हमारा जब लॉगिन हो जाएगा तब हमको एक टोकन मिलेगा। वो टोकन है, मतलब ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं हम, ऑथेंटिकेशन टोकन है वो। वो टोकन हम कहाँ पे भी डालेंगे तभी वो आउटपुट देगा कि ओके हाँ इस यूज़र का ये डेटा है, इस यूज़र का ये डेटा है करके, नहीं तो वर्क नहीं होगा। एक इसलिए करते हैं क्योंकि
एक सिक्योरिटी के लिए, ओके, कोई भी एक्सेस ना करे करके वो उसके लिए वो टोकन रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, फिर हमारा जो रिस्पॉन्स है हमको जो मिल रहा है यहाँ से उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो टोकन हमको यहाँ पे मिलेगा, यूज़र हमको यहाँ पे मिलेगा, तो हम एक मैसेज दे रहे हो लॉगिन सक्सेस है, स्टेटस हमारा सक्सेस, तो उसको हम 200 में डिफाइन किए। ओके, दिस इज़ फॉर वॉट कि समझो आपका रजिस्टर मतलब ईमेल आईडी वगैरह मैच हुआ, मतलब आपके आप जो क्रिडेंशियल एंटर कर रहे हैं लॉगिन के लिए वो करेक्ट रहेंगे, तभी क्या होगा कि ये वर्क हो जाएगा। ओके, लॉगिन का वर्क हो जाएगा। ओके, समझो क्रिडेंशियल कुछ भी मिस हुआ तो क्या होगा, हमको क्या एरर देगा कि द प्रोवाइडेड क्रिडेंशियल्स आर इनकरेक्ट। ओके, ये हम रिटर्न कर रहे हैं, मैच हुआ तो ये रिटर्न कर रहे हैं, नहीं मैच हुआ तो क्या कर रहे हैं हम 401 एरर शो कर रहे हैं और उसको प्रोवाइडेड क्रिडेंशियल्स आर इनकरेक्ट करके और दिखा रहे हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी एरर दिखा रहे हैं। ओके, मैं तो कंट्रोल जेड करती हूँ। ओके, तो मेरा क्लियर हो गया, कुछ तो मैं दिखाते वक्त गड़बड़ हुई है। ओके, तो आई थिंक अभी क्लियर है, राइट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि लॉग इन पे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आप बेसिक लेवल पे हो तभी भी आपको समझ में आएगा, इतना इजी है लॉग इन पे क्रिएट करने का। ओके, तो ये लॉग इन पे क्रिएट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे आ रही हूँ, लॉग इन पे मैं जा रही हूँ, ऑलरेडी मैंने टेस्ट करके देखा है इसलिए मैं ऑलरेडी डेटा है। ओके, तो पहले मैं आपको वैलिडेशन दिखाती हूँ कैसे आता है। तो मैं अभी क्या करूँगी, इसको निकालती हूँ पहले। ओके, मैं ईमेल नहीं देती हूँ और मैं ओके, तो मैंने आपको राउट बताना ही भूल गई। तो ये हमारा राउट कहाँ पे है, एपीआई में है, ऑथ में है, ऑथ लॉगिन नहीं, हमारा राउट नेम है। ओके, तो हम चेक करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे राउट में एपीआई में आना पड़ेगा, तो एपीआई हमारा कहाँ पे है, राउट में जाने का एपीआई यहाँ पे वेब है, लेकिन मैंने यहाँ पे एपीआई क्रिएट किया है करके मैंने एपीआई में दे रहा। आप ऐसा कुछ नहीं, आप वेब में भी दे सकते हैं, लेकिन एपीआई में दिए तो अच्छा होता है क्योंकि एपीआई के लिए, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरा है ऑथ लॉगिन 1। ओके, यहाँ पे लॉगिन 1 है। ओके, और यहाँ पे हमने लॉगिन फंक्शन को कॉल किया, कहाँ पे है वो लॉगिन फंक्शन, यहाँ पे हमारा लॉगिन, उसको हमने यहाँ पे लिया है। ओके, कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर, इसको हमने इम्पोर्ट किया ऊपर ऑथ कंट्रोलर, तो हुआ, मैंने दिखाया वो भी आपको। ओके, तो मॉडल तो हमको लेना ही पड़ता है, मॉडल में पूरा डिफाइन करता है हमारा टेबल नेम, प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की हम इनबिल्ट नहीं यूज़ कर रहे। समझो आप इनबिल्ट प्राइमरी की मतलब आईडी ऐसे प्राइमरी की आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको हमको डिफाइन करना पड़ता है मॉडल में कि ये प्राइमरी की लो करके। ओके, तो हमको डिफाइन करना पड़ता है। बाद में डॉलर फिलेबर, यहाँ पे हम हमारे सब टेबल्स टेबल नेम रहे, टेबल में जो कॉलम नेम रहते हैं ना, सब हमको डिक्लेयर करना पड़ता है, फिलेबल में डालना पड़ता है। ओके, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, पासवर्ड हिडन क्या है। ओके, तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो पहले वैलिडेशन चेक करेंगे, तो हमारा ई पी आई ऑथ लॉग इन करेक्ट है, तो हमें एंटर करेंगे पहले। ओके, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। मैं क्या करूँगी, मैं पॉज वगैरह कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर वर्क होता है कि नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही रोक के रखा है उसको। तो मुझे बहुत टाइम लिया तो मैं पॉज करूँगी उसको। ओके, तो अभी तक टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो 404 नॉट फाउंड एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहे हैं, तो 404 नॉट फाउंड एरर कहाँ पे, तो बाद में से हमारा शायद, तो हम देखेंगे क्या है ऑथ लॉग इन क्या, आई थिंक वहाँ पे ऑथ 1 है, राइट, लॉगिन 1 है। बस, तो हमें क्या करेंगे, इसको निकालती हूँ, और कहाँ पे लॉग इन लिया मैंने, नहीं लिया। ओके, तो मैंने उसको निकाला, तो फिर से मैं हिट करती हूँ, अब हम देखेंगे क्या आता है, सक्सेस होता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेशन एरर आ गया कि आर यू जी ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, वैलिडेशन दिया है, करेक्ट, तो करेक्ट वर्क हो रहा है अकॉर्डिंग टू कोड, यहाँ पे वैलिडेशन दिया है, रिक्वायर्ड है, तो आना ही पड़ेगा उसको, तो यहाँ पे एरर आ गया। समझो मैंने ये भी नहीं दिया। ओके, तो अभी मैं इसको हेड करती हूँ, दोनों भी आएगा, सी द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड द आर एजेंट उसको पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, समझो मैंने इसको कमेंट कर दिया, मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं देना है इस लॉग इन में। ओके, तो मैं डायरेक्टली सेंड करूँगी, देखते क्या आता है। ओके, तो द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल, देखो यहाँ पे भी हमको मिल गया कि प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल सर इनकरेक्ट, 401 अनऑथराइज, क्योंकि हमारे क्रेडेंशियल यहाँ पे नहीं है, तो एरर तो आएगा। ओके, तो मैं वैलिडेशन देती हूँ, क्योंकि वैलिडेशन देना इंपॉर्टेंट है। ये आप यहाँ पे भी दे सकते हो, नहीं तो आप HTML लिख रहे हैं ना, वहाँ पे भी आप अलर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो अभी मैं लॉगिन करती हूँ, इन क्या था हमारा वो रजिस्टर करने का ए पी, तो
तो यहाँ पे infisk123@gmail.com, ओके, तो वहीं डालती हूँ मैं, वहीं उसी से लॉगिन करती हूँ, infisk123, भूल गई, देखो कितनी जल्दी खोलती हूँ, infisk123@gmail.com, ओके, तो यहाँ पे मैंने दिया और हमारा पासवर्ड बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा पासवर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, एंटर करके देखेंगे। अरे अभी भी क्रीडेंशियल्स इनकरेक्ट दिखा रहा है क्यों, ये हम चेक करेंगे, कुछ तो रॉन्ग हुआ है। 6 7 8 इनपी का है, यहाँ पे के वाई, ओके, यहाँ पे के वाई, देखो आप इनक्रेडे, आपको समझ में आएगी, क्रीडेंशियल एरर भी आता है क्योंकि यहाँ पे मैंने के वाई दिया है और मैं लॉग इन कर रही हूँ यस के वाई से, बाय मिस्टेक आई थिंक वो के वाई हो गया, इनपी का, ओके इनपी का हो, ओके, तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेम आ गया, जेंडर आ गया, ईमेल आईडी आ गई, ओके, तो क्रिएटेड अपडेटेड ऐड, और यहाँ पे हमको टोकन भी मिल गया, ओके, तो ये टोकन लेके हम कौन सा डेटा फेच कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डेटाबेस में आके देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्टर हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे आएगा, वहाँ यहाँ पे नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम 10th है हमारा, नहीं यहाँ पे तो रजिस्टर लॉग इन का कुछ नहीं देख सकते यहाँ पे, ओके, तो लॉग इन को आपका समझ में आ गया आपको, ओके, मैं और एक बार ओपन करती हूँ। तो ऐसे हमको लॉग इन ए पी आई टेस्ट करना रहता है, और मैंने लॉग इन ए पी आई कैसे क्रिएट करने का वो भी बोला आपको, टेस्ट करने का भी बोला, ओके, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करो, कमेंट में हम उसका आंसर देंगे ही देंगे, ओके, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और समझो आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो उसके रिलेटेड वीडियो बना भी बहुत अच्छा लगता है, ओके, तो आपके कुछ भी क्वेश्चन रहे तो कमेंट में कमेंट करो। और मैं आपको बताने देना चाहती हूँ कि मैं कोड देती हूँ, कोड मैं कहाँ पे दूंगी, तो हमारा एक ब्लॉग आया है अभी बनाया हमने, तो इन्फिस का एक कोडिंग कॉर्नर करके चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगी, ओके, ऐसे सर्च करो आपको मिल जाएगा इन्फिस का कोडिंग कॉर्नर, तो यहाँ पर आपको सभी मतलब थियोरेटिकल भी आपको पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा, समझो ऑडिनो का है तो ऑडिनो का मिल जाएगा, ऑडिनो के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, बाद में पाइथन है तो पाइथन के भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ओके, तो उससे अभी डाल रही हूँ मैं, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लारावेल में जाने का लारावेल में मिलेंगे, पोस्टमन में पोस्टमन के मिलेंगे, तो आज का वीडियो मैं क्या करूँगी, लारावेल में ही डालूँगी, नहीं नहीं पोस्टमन में डालूँगी, सॉरी पोस्टमन में ही आएगा हमारा, तो यहाँ पे जाके आप चेक करो, क्योंकि पोस्टमन रिलेटेड है ना, ए पी आई टेस्ट कर रहे हैं तो पोस्टमन रिलेटेड ही रहेगा, तो पोस्टमैन में देती हूँ मैं, तो आप यहाँ पे जाके विजिट करो, तो 419 का भी मैंने थ्री पार्ट दिया है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे रिसेंट पोस्ट मिलेंगे, यहाँ पे रैंडम पोस्ट मिलेंगे, यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट मिलेंगे, ओके, तो आप यहाँ पे जाके भी विजिट करो, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, एक लाइक करने में क्या जाता है आपका भी, राइट, तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।